हेलो एवरीवन। तो आज है नहाए खाए और तारीख है 5 अप्रैल। तो जैसा कि कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं गई थी, गेहूं सुखाई थी, उसके बाद फिर मैं गई थी मार्केट। तो मैं मार्केट से मैं और माँ तो यही सारी सब्जियां सब लाई है, लाए हैं हम लोग। और ये है सब सामान, सब जो नहाए खाए के दिन बनता है। आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और सारा सामान जो है वो सब खरीद के लाया जाता है। क्यों ना घर में पहले से हो, लेकिन जो भी बनता है खाना, जो नया जो दुकान से आता है वही सब सामान बनता है। तो यहाँ पे मैं सुबह उठी 5 बजे और उठ के बाद मैं किचन साफ करके फिर मैंने नहा लिया। नहाने के बाद फिर मैं खाने बनाने में लग गई थी, क्योंकि पापा को भी जाना था एक जगह और मेरे देवर जाते हैं ऑफिस, तो वो भी 9 बजे तक वो भी चले जाते, तो इसीलिए सारा खाना बनाना था और इसमें ढेर सारा खाना बनाना था। क्योंकि नहा खाया था तो कई लोगों को बोला भी गया था प्रसाद खाने के लिए, और मेन प्रसाद आज जो पहला व्रतधारी है वो खाएंगी, तो इसीलिए आज खाना खाएंगे नमक, कल से नहीं खाएंगे, खरना के दिन से नहीं खाया जाता है। तो इसलिए कद्दू मेन होता है इसमें, तो हम लोग कद्दू का सब्जी बनाए थे और सहजन आलू की सब्जी, परवल की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल का भात, और जो जो भी सब्जियां सब थी उसके पकौड़े, और इसमें फिर पापड़, तिलौरी, चिप्स, ये सब भी मैंने बनाया था छठ के पहले। उसकी वीडियो मैं बाद में डालूंगी। तो वो सब बनाया था, वो भी जो नहाए खाए के दिन खाने के लिए, वो सब मैं हर साल बनाती हूँ घर में ही। बहुत मतलब बाहर का खरीदा हुआ नहीं खाते हैं नहाए खाए के दिन, तो घर में ही हम लोग चावल के आटे का, पापड़, तिलौरी और आलू के चिप्स, ये सब बनाए थे। तो मैं कर रही थी किचन में काम जल्दी जल्दी, और उधर मेरी देवरानी है जो वो घर पूरा साफ़ कर रही थी, क्योंकि पूरा घर जो है साफ़ सुथरा धोया जाता है व्रत छठ छठ पूजा के लिए। तो यही सब खाना पीना बन के तैयार हो गया, जल्दी जल्दी मैं बनाई। बच्चे लोग भी आके थोड़ा हेल्प कर दिए नहा वहा के, वो लोग भी नहा लिए थे मेरे दोनों बच्चे। तो मैं इधर ये देखिए खाना बन के तैयार है और माँ को मैं दे रही थी, और जाना भी था ऑफिस तो लेट हो रहा था। तो सब लोग खाए, पहले माँ खाएंगी तो उनका खाना निकल गया है, और ये दही है। तो देखिए सारी सब्जियां और चावल दाल, तो माँ के साथ बच्चे लोग भी बैठ के खाएंगे, तो यहाँ पे वो खाएंगी। जब तक पहले वो नहीं खाएंगी तब तक दूसरा कोई नहीं खाता है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे गेहूँ सुखाने के लिए, क्योंकि कल कम ही सूखा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सभी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह से आप लोगों से मैं बात नहीं कर पाई थी, और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:30, और अभी मैं आई हूँ छत पे। और अभी जो है वो सब लोग खाना पीना खा चुके हैं, और आज है नहाए खाए। तो खाना बनाई थी मैं सुबह से उठ के, तो उसी का सुबह से मैं खाना बनाई थी। सुबह से मैं उठी थी 5 बजे, 5 बजे उठ के उसके बाद मैंने किचन वह सब साफ़ किया। मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सुबह काम करना था जल्दी, और पापा जी को और मेरे देवर को ऑफिस जाना था, और पापा जी को कहीं और जाना था, इसीलिए तो घर में पूजा हो रहा है, तो खाना इसीलिए मैंने सवेरे बनाई। और खाना लगभग सभी खाना जो है तैयार हो, तो खाना में मैं बनाई थी आज के दिन नहा खा के दिन तो बनता ही है कद्दू की सब्जी। नहाए खाए में तो मेन होता है कद्दू, तो कद्दू, अरवा चावल का भात, चना की दाल और सहजन आलू की सब्जी, परवल की सब्जी, पकौड़े, पापड़, चिप्स, यही सब को आवाज़ कुछ आ रही होगी तो वो है ट्रेन का आवाज़। तो सुबह से बच्चे थे गेहूँ के पास, कल भी मैंने सुखाया था गेहूँ लेकिन ज़्यादा देर नहीं सुखा पाए थे, क्योंकि हम लोग को, मैंने बताया था आपको कि हम लोग को मार्केट जाना है, तो इसीलिए जल्दी ही लेके चले गए थे। धूप तो अच्छी थी, खासी अच्छी खासी धूप थी, लेकिन हम लोग को जाना था तो फिर कौन देख रेख करता गेहूँ का। और यहाँ है छठ पूजा में इतना ज़्यादा महत्व है ना कि गेहूँ चाहे कुछ भी, बहुत ही कुछ जूठा ना करे, चिड़िया कौवा ये सब, तो इसीलिए सुखाई थी मैं। उसके बाद मैं और माँ जो है वो चले गए थे मार्केट, वहाँ से हम लोग आए शाम को। उसके बाद सारा फिर सामान सब था वो सब सब इकट्ठा किया कल के लिए, आज के लिए, फिर
फिर कल खरना है तो उसके लिए सब सामान सब इकट्ठा करके अलग अलग रखा गया। फिर साग सब्जी सब लाए थे आज के दिन के लिए, तो वो सब भी सब रखे थे हम लोग। तो यही सब सारी तैयारी हुई। और छठ पूजा में तो बहुत सारा काम हो जाता है, और इतना कि बहुत सारे लोग भी लगे तभी काम नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा इसमें काम होता है। तो इसी तरह से हम लोग किए, और सुबह से खाना पीना बन गया था, सुबह में 9 बजे तक बन गया था। फिर उसके बाद माँ नहाए, या नहाने के बाद फिर वो खाना खाई। तो फिर उसके बाद जब जो व्रत करती हैं वो सबसे पहले खाएंगी, जूठा करेंगी खाना, उसके बाद ही कोई खाएगा, तो वो बच्चों के साथ खाई। पता नहीं वो लोग बच्चे लोग रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं, नहीं पता, मैं तो बना रही थी। और यही सब हुआ है। और अभी उस समय से बच्चे लोग थे गेहूँ के पास थोड़ा सुखाने के लिए, और कल थोड़ा ही सूखा था, और आज धूप लगा देंगे तो कल पिसाने जाएगा। और वो कार्तिक महीना में जो होता है, नवंबर में छठ, तो उसमें है कि सभी जगह जितना भी आटा चक्की है मिल, तो वो सब पीसते हैं, धोते हैं। और लेकिन इसमें है ये छठ ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ज़्यादा बहुत दूर जाना पड़ता है इसको लेके। तो आज सुखा लेंगे तो कल पिसाने जाएगा गेहूँ। और माँ को मैंने खाना दिया, उनके साथ में बच्चे लोग खाए हैं उनके साथ, और पापा और मेरे देवर भी खा लिए, वो लोग चले गए। और बाकी लोग को और कुछ लोगों को कहा गया है तो वो लोग आएंगे तो अपना खाएंगे, मैं बना के रख दी हूँ खाना। और सुबह से बच्चे लोग बैठे बैठे, मैं पहले मेरी बेटी बैठी थी, फिर उसके बाद बेटा, और सब लोगों को धूप लगी है तो वो लोग एक एक करके बैठे हैं फिर चले गए। तो मैं सोची कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैं अभी आती हूँ। और आप लोगों से बातें भी मैंने नहीं किया था, मैं नहीं की थी, तो अभी आ गई हूँ मैं छत पे। और एक दो घंटा सुखाएंगे गेहूँ को, उसके बाद फिर लेके चले जाएंगे। धूप तो काफ़ी अच्छी है, इसके पहले धूप नहीं निकल रही थी अच्छा से। तो और चूल्हा का भी जो मैंने आपको दिखाया था छठ पूजा के लिए चूल्हा बना था, वो कल जो मैंने दिखाया था वो चूल्हा है जो वो टूट गया था, फिर दोबारा उसको माँ कल बनाई, फिर आज सुबह में उसको बनाया गया, तो बहुत ही संभाल के उसको बनाया गया है। और सूख जाएंगे तो फिर चूल्हा का काम होगा कल, और अभी बहुत सारा काम है करने को। तो इसी तरह से, और आप लोग बताइए कैसे हैं आप सभी, बहुत के घरों में होता होगा छठ, जो भी बिहार से हैं वो लोग करते होंगे। और नवरात्रि भी है, अभी चल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई थी, और ये छाता के नीचे बैठी हुई, बहुत धूप लग रहा है, गर्मी का मौसम है और धूप में अभी बहुत दोपहरी धूप है। खैर कोई बात नहीं, एक दिन कष्ट किया जा सकता है पूजा के लिए, छठ के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब दिन तो लोग आराम करते ही हैं। तो कल मैं गई थी, हाँ, और कल हम लोग मार्केट गए थे तो वहीं से नारियल भी लेते आए थे। और नवंबर महीने में तो थोड़ा ठंडी का मौसम रहता है तो उतना नहीं पता चलता, लेकिन अभी तो बहुत ही गर्मी है, लेकिन तब भी करती है। और कल बता रही थी माँ कि छोटे थे बच्चे तभी से वो छठ कर रही हैं, और उस समय से लेके आज तक लगातार करते ही आ रही हैं छठ। बहुत ही अच्छा है उनका छठ पूजा, दम बहुत लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन इनका है कि कुछ भी हो जाए लेकिन करेंगी ही करेंगी छठ, करती आ रही है। इस बार आँख भी बना है उनका, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन तब भी करेंगी छठ। और मार्केट भी मैं गई थी तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि भीड़ भाड़ था ज़्यादा मार्केट में। और उसके बाद फिर सामान सब भी रहते हैं, और मैं और माही गए थे, उनको भारी उठाना नहीं था, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड करती कि नहीं, इसलिए नहीं कि थोड़ा सा मैं की थी, जहाँ पे मेरा हाथ सामान रख दिए थे खाली था उस समय मैं की थी, उसके बाद फिर मैं नहीं की थी। और घर में काम भी है, और इसी तरह से मिलजुल के सब लोग काम किए। मैं सुबह में किचन का काम की, और मेरी देवरानी है जो सारे घर को साफ़ सुथरा, ये सभी घर को धोना वो सब की है, साफ वाफ की है। तो ऐसे ही बने रहें हमारे वीडियो के साथ, और अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जैसे फिर होगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी छठ पूजा का। बहुत ही अच्छा लगता है अभी माहौल,
छठ पूजा में, तो बने रहिएगा एंड तक। तो ये देखिए यहाँ पे ये हनुमान जी बन के सबको दिखा रहा है, और जो सिंदूर था ना वो गिरा दिया था, और यहाँ पे ये हनुमान बन के और अपने पापा को बोलता है कि पापा प्रणाम कीजिए मुझे। तो बने रहें ऐसे वीडियो के साथ, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।